वीरभद्र सिंह मेहरबान तो गदावी पहलवान। लोकसभा चुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कहीं गुम सी दिख रही है, ना ही विपक्ष दिख रहा है, ना ही विपक्ष के कोई मुद्दे दिख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया। सर, किस तरह देखते हैं आप, कांग्रेस का एक पार्ट रह चुके हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, किस तरह देखते हैं, क्योंकि इस समय कांग्रेस जो है अपने वजूद को खोती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छे अच्छे लोग पीछे हट गए, बदौलत वीरभद्र सिंह, अच्छे लोगों को सुखाता नहीं था वो, जो छोटे कद के लोग थे, जो राजनीति में बौने थे जिनको कहते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, जनाधार नहीं था, उनको खड़ा कर दिया। चलो उन्होंने कि जी मेहरबान है वीरभद्र सिंह मेहरबान तो गदावी पहलवान, ये हालत हो गई थी, वीरभद्र सिंह मेहरबान तो गदावी पहलवान। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में बहुत वक्त लगेगा कांग्रेस को, पुनः अगर उसको इस काबिल बनाना है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके। मैं तो ये भी देख रहा हूं कि ये जो उपचुनाव आ रहे हैं दो, इसमें धर्मशाला हमारा बिल्कुल नजदीक की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आ रहा है। मुझे लगता है कि यहां अगर हम संगठित होके, संगठन जैसे ये कहते हैं कि बूथ लेवल पे ऊपर हम बिखर गए हैं, जो परिवार के परिवार हमारे, जो मैं समझता हूं कि पुश्त दर पुश्त कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, आज वो भी पीछे हट गए। जो नया एक वर्ग निकला है यूथ का, उनके पास किसी भी, जिसको हम रोल मॉडल कहते हैं ना मृत्युंजय जी, कि हमारे आदर्श कांग्रेस में कोई है, आदर्श उनके पास कोई नहीं रहा। बहुत सी दुनिया आदर्श नरेंद्र मोदी को मानने लग पड़ी है जी, कुछ भी हो जैसे तैसे भी हो अमित शाह को मानने लग पड़ी है कि देखिए ये तो चाणक्य है साहब, राजनीति का चाणक्य है। हमारे पास ऐसा कोई चेहरा रहा ही नहीं जिसको हम कहें जी नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, इससे प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ेंगे। कोई है कि आपके आपका जिसको कहते हैं कि आपकी सेना का सिपा सलार जो हो, जिसको कहे कि जी हाँ ये कमांडर इन चीफ है, इसके पीछे हम मैदान में उतरेंगे और जो हमारा दुश्मन है उसको हम बिल्कुल हताश कर देंगे, ऐसा कोई रहा नहीं, कोई बोलने वाला नहीं रहा। जो थे बोलने वाले उनके पुराने किस्से और घोटाले जो जब कांग्रेस की सरकार थी वो बीजेपी निकाल रही है, और अगर कोई ज्यादा बोलता है, चाहे वो इस वक्त कांग्रेस जो विपक्ष में है उसका विपक्ष का नेता भी बोलता है विधानसभा का, उसके ऊपर उसको बता देते हैं कि साहब ये आपकी फाइल है, ज्यादा बोले तो फिर इन्वेस्टिगेशन आपकी सीबीआई की ईडी की करवा देंगे। जो आपने एक दुर्भाग्यवश में कह रहा हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद जिसको दिया, मैं समझता हूं कि उसकी पहचान ही नहीं है पूरे प्रदेश में, अभी तक चेहरा ही नहीं लोग जानते हैं, कोई ज्यादा संघर्ष में जिसने भाग लिया हो, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी तो कई लोगों ने संघर्ष में काम किया बीजेपी के बरखिलाफ, तो ऐसा संघर्ष का उनका कोई इतिहास नहीं है। तो जब तक आप जैसे हम कहते हैं ना कि लड़ाकू विमान, कारगिल युद्ध की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब लड़ाकू विमान आए और उन्होंने फिर वो बड़ी बड़ी हाइट्स जो थी, टाइगर हिल था, टोरोलिंग वगैरह था, उसके ऊपर बमबारी हमारे लड़ाकू विमानों ने की, हमारे पास कोई लड़ाकू विमान नहीं रहा है। वो जी हजूरी थे, झोली चुक थे, जो हाथ जोड़ के राजा साहब के दरबार में खड़े हो जाते थे, ऐसी पार्टी, अब ऐसा हशर तो होना ही था, वो तो दिख रहा था। और निकट भविष्य में ही, क्योंकि ये चुनाव आ रहा है, उपचुनाव धर्मशाला का आ रहा है, इसके लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं लोग वाग और फैसला करेंगे कि इस उपचुनाव में ही कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करके हमने क्या करना है। पर वो पुराने चेहरे पब्लिक जो है वो स्वीकार नहीं करेगी, पुराने चेहरे जो हैं, जो दागी हो चुके हैं, जिनकी चादर मैली हो चुकी है, अब उनको पब्लिक स्वीकार नहीं करेगी। और अगर आप उनको बार बार मैदान में उतारेंगे तो यकीन रखिएगा कि आप जो भारतीय जनता पार्टी है सत्ता में इस वक्त, आप उनको वॉकओवर दे देंगे, जैसे आप कहेंगे कि जी हम ले लीजिएगा सीट, ले लीजिएगा, ये हम नाम वास्ते हमने अपना चुनाव चिन्ह और झंडा रख दिया, किसी का नाम दे दिया, तो बहुत आसान हो जाएगा उनको
ये चुनाव जीतना। फिर मानते हैं आपकी धर्मशाला में, क्योंकि सुधीर शर्मा कमर कस चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए, जिस तरह आपने कहा कि पुराने चेहरे, तो वे पुराने मंत्री भी रह चुके हैं, पहले विधानसभा बैनास से आए थे, अब धर्मशाला में चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं धर्मशाला से, तो क्या लगता है कि वे अपना वर्चस्व दोबारा यहाँ पर कायम कर पाएंगे? देखिए, जिन लोगों से धर्मशाला में मैं मिला हूँ, और वो बहुत लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भी इनको अपना समर्थन नहीं दिया था, कांग्रेसी होते हुए समर्थन नहीं दिया था, तो उनसे जो बात हुई है, उन्होंने खुद भी बात करनी चाहिए, यहां भी आए थे, मैं धर्मशाला भी 2-3 दफा उनके पास बैठा हूं। उनका एक मानना है कि चलो उस वक्त जो परिस्थितियां थी, शास्त्रीय परिस्थितियां, हमने उस वक्त स्वीकार कर लिया कि बैजनाथ से उठ के ये आए, उस चुनाव में हमने जिता दिया, 5 साल में जीतने के बाद इन्होंने अच्छा नहीं किया, बड़ी बदनामी हुई, कई यहाँ घोटाले हुए, कई लोगों ने उंगलियां उठाई, लांछन उठाए, तो वो प्रश्न आज भी जो है वो आज भी कायम है, वो प्रश्न इनके ऊपर ना। तो मैं समझता हूं कि वो जो उनका मानना है कि साहब हम अगर कांग्रेस नहीं मानती है, हमारी डिमांड होगी कि हमें बाहर का व्यक्ति नहीं चाहिए, बैजनाथ का व्यक्ति नहीं चाहिए, वो रिजर्व होगी कॉन्स्टिट्यूंसी बगल में लड़ने, उनका वो एरिया ही वो है उनका, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों ना यहाँ का जो धरती पुत्र है धर्मशाला का, धरती पुत्र को क्यों ना दिया जाए। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो इस वक्त चल रही है उस पर ब्यूरोक्रेसी हावी है, और हिमाचल के विकास में रोड अटकाने वाले भी ब्यूरोक्रेसी है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में विकास नहीं हो रहा। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को खत्म करने वाले ही कांग्रेस के नेता है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस अपनी मजबूती खोती हुई नजर आ रही है और शून्य तक पहुंच गई है। कैमरामैन सचिन के साथ मृत्युंजय पुरी, एएनवी न्यूज़।